सर सत्तू की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम से क्या फायदा होने वाला है? सर उस बच्चे के एक दो एनलार्जमेंट्स बन गए हैं सर। सुधाकर प्रोजेक्टर ऑन करो। सर यहाँ दीवार पर ऊपर एक निशान है, हाथ जैसे कुछ लगता है। किसी फैक्ट्री की दीवार लगती है सर। सर कोई लेबर यूनियन का साइन हो सकता है या फिर किसी कंपनी का सिंबल हो सकता है? हो सकता है। सर बच्चे की आंखें बंद है और चेहरा इस तरफ लुढ़का हुआ है। हो सकता है ज्यादा देर तक बंधे रहने की वजह से सो गया हो। हाँ या फिर किसी ने क्लोरोफॉर्म वगैरह सुंगा कर बेहोश कर दिया हो शायद। सर हाँ ऊपर चेयर के लेफ्ट में कुछ चमक रहा है। हाँ ये ना सुधाकर। सर इस फोटो का एनलार्जमेंट है हमारे पास। जी सर जरा दिखाओ। IWI IWI क्या हो सकता है? सर कोई IWI नाम की फैक्ट्री हो सकती है। सर फैक्ट्रीज कमीशन के ऑफिस से पता चल सकता है कि IWI नाम की फैक्ट्री है कहाँ पे। पता करो। यस सर। सर IWI तो कहीं भी लिखा हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। सर IWI तो यही है पर ये फैक्ट्री बंद है। नो सर बच्चा कहीं पे भी नहीं मिला। अच्छा लेट्स गो। एक मिनट जरा वो फोटो दिखाना। तो हो सकता है ये IWI ना हो, शायद कुछ और हो। माय गॉड पहले ही ध्यान में क्यों नहीं आया? ये देखा ये IWI से कितना दूर है। हो सकता है ये आई नहीं एल हो। ये देखो IWI अभी आई का एल बनाते हैं LWI। ये LWI क्या हो सकता है? अच्छा विनोद एक बात और बताओ, तुम्हें मालूम है कि सत्तू एक साल पहले कहां काम करता था? मालूम है कहां पे? फैक्ट्री में। कौन सी? LWI लक्ष्मी वायर इंडस्ट्रीज। अच्छा ये फैक्ट्री है कहां पे? साकिना का। ओके थैंक यू यार, ये काम तुमने अच्छा कर दिया। ओके ACP साहब को फोन कर देता हूं, सीधे वहीं पहुंच जाएं। हाँ सर LWI का पता चल गया है, लक्ष्मी वायर इंडस्ट्री। सर ये फैक्ट्री साकिना का में। ओके सर। वॉचमैन LWI यही है लक्ष्मी वायर इंडस्ट्रीज। हाँ सर। गेट खोलो जल्दी, तलाशी लेनी है। साहब फैक्ट्री तो बंद है। गेट खोलो, हम लोग CID से हैं। साहब अंदर कोई नहीं है साहब। तुम्हारे समझ में बात नहीं आ रही है, गेट खोलो। जल्दी, पता नहीं बच्चा किस हालत में होगा। एक एक कोना छान मारो, ध्यान से देखो। कोना कोना छान मारो। यही जगह है, LWI हर जगह लिखा हुआ है। हाँ हाँ आशा, कुछ मिला? सर ये देखिए यही चेहरा है। हाँ सर यही दीवार है, ये देखिए हाथ का निशान, फोटो यही खींची गई है। मतलब बच्चे को यहां लाया था। साहब, अरे साहब किधर गया साहब?
अरे साहब किधर है आप लोग? बच्चा कहाँ है? कौन सा बच्चा साहब? बच्चा कहाँ है? बच्चा यहाँ कैसे आएगा साहब? बच्चा कहाँ है? साहब इधर। क्या कहाँ है? उड़ा दूंगा गोली से, बता बच्चा कहाँ है? बता। बताता हूँ साहब, बताता हूँ। साहब, वो इसको इधर लेके आया था साहब, उसको थोड़ी देर बाद वापस लेके गया साहब। कितने बजे लेकर आया था? करीब 7 बजे साहब। उसके बाद बच्चा लेकर कहाँ गया वो? मालूम नहीं साहब, मालूम नहीं साहब, मालूम नहीं। इसे गिरफ्तार करके ले चलो। साहब मैंने कुछ नहीं दिया साहब, मैंने सिर्फ 500 रुपए लिया था साहब बस। अभिजीत, तुम लोग वापस विनोद के घर जाओ और उससे पूछो कि किसके कहने पर सत्तू को घर दिया था। सत्तू ऐसे हवा में से तो नहीं टपका होगा, कहीं से तो आया होगा वो विनोद के घर पे। आप लोग फिर? मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। नहीं बेटा, सब कुछ तो नहीं बताया तुमने। तुमने ये नहीं बताया कि तुमने सत्तू को अपना फ्लैट किराए पे दिया ही कैसे? हाँ तो उसे जानता कैसे है? तूने तो कहा था कि वो तेरा दोस्त है ही नहीं, फिर कैसे दिया फ्लैट? वो एस्टेट एजेंट है ना धवल, वो लाया था सत्तू को मेरे पास। धवल? देखिए अपना ऑफिस है, खुली धर्मशाला है, यहाँ हर कोई जो आया उसका स्वागत है। आप ये डायलॉग बाजी बंद कीजिए, बैठिए। ये बताइए, इनका फ्लैट आपने इसे दिलाया था? इसको क्या हो गया? ये मर गया। विनोद जी, इसने तो एडवांस दिया था ना 11 महीने का। ये बताओ कि ये आदमी यहाँ अकेले आया था या इसके साथ कोई और भी था? ये याद रखना तो मुश्किल है, पर कोई ना कोई साथ आया तो होगा। अब एक मिनट। हाँ मैं सब बराबर लिख के रखता हूँ। ये देखिए, ये प्रमथेश कुमार लेके आया था, यहाँ पता भी लिखा है। और जगदीश जी साहब, ये साहब लोग हैं ना, उनको प्रमथेश कुमार के घर पे लेके जा। आई सर। सत्तू का पोस्टमार्टम तो हो गया लेकिन केस पर इसका कोई असर नहीं पड़ा, बच्चा अभी भी गायब। यार मुर्दे को बार बार जोक सुनाओगे तो हंसने वाला थोड़ी है। मुर्दा तो नहीं हंस सकता है बॉस, लेकिन उसका जूता तो बोल सकता है। क्यों, सत्तू के जूते क्या फटे हुए निकले? जी नहीं, जूते फटे हुए नहीं है, लेकिन बोलने के लिए बहुत छटपटा रहे हैं। अच्छा ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये मेटल की चीजें, किसी तरह की कीलें लगती है। नहीं बॉस, ये कीलें नहीं है, ये बॉल पॉइंट पेन की टिप्स हैं, ब्रास की बनी हुई, देखा एकदम नहीं है। इतनी सारी बॉल पॉइंट की टिप्स एक साथ जूतों में घुसना जरा अजीब लगता है। डेफिनेटली अजीब तो लगता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आदमी ऐसी जगह गया होगा जहां जमीन पर इस तरह की बहुत सारी टिप्स पड़ी हो सकता है, जैसे बॉल पॉइंट बनाने की फैक्ट्री में? नहीं धवल साहब, प्रमितेश घर में नहीं है। ओ, काम पे गया होगा फैक्ट्री, वो कांडी वाली में है ना, A3 पेन फैक्ट्री। हाँ सर। हाँ दया, ध्यान से सुनो, सत्तू किसी को मिलने के लिए बॉल पॉइंट बनाने वाली फैक्ट्री में गया था। सर यहाँ भी यही पता चला है कि उसका एक दोस्त किसी पेन की फैक्ट्री में काम करता है, हम लोग वहीं जा रहे हैं सर, A3 पेन फैक्ट्री कांदिवली। A3 पेन्स कांदिवली। प्रमथेश, सत्तू को मकान तूने दिलाया था ना, वो तेरा अच्छा दोस्त है ना? ऐसी बात नहीं है साहब, थोड़ी सी जान पहचान है बस। अच्छा ये बताओ कि वो कल यहाँ आया था? कल? हाँ कल। कल याद नहीं आ रहा? नहीं। याद नहीं आ रहा तुझे? बता, याद नहीं आ रहा? याद आ गया? याद आ गया? नहीं, बता तो। आया 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 साहब, याद आ रहा है, ओ कल यहाँ आया था बच्चों को छुपाने के लिए, उसको देख के मेरे हाथ पाँव ढीले पड़ गए साहब। मैंने उससे कहा तू मुझे क्यों फंसा रहा है, चल चल भाग जा से, भाग भाग, बस बस इतना ही साहब, इतना ही। तूने ये बात पुलिस को क्यों नहीं बताई? पुलिस को बता था तो वो मुझे जान से मार डालता था साहब, उसने मुझे जान से मार डालने की धमकी दी थी। अब यहां से कहां गया होगा वो? मालूम नहीं साहब।
चुपचाप बता दे, बच्चे का मामला है, समझा? बता दो सब, बता दो, उसका कोई सगे वाला है, उसके पास गया होगा, वो कोरी में काम करता है, टॉरस कोरी में। टॉरस कोरी में? हाँ। अच्छा, डॉग स्क्वाड को बुला, चल दिखा, चल। चलिए सब। सर, टॉरस स्टोन कोरी। हाँ सर, वही वही काम करता है सत्तू का दोस्त, जुगनू नाम है सर उसका, शायद सत्तू उससे मिलने गया हो। हाँ सर, प्रमितेश को हमने अरेस्ट कर लिया है, वो साथ में ही है। हमें सर आधा घंटा लग जाएगा पहुंचने में। अच्छा, तो आप रास्ते में ही मिल जाएंगे? ओके सर। क्या बात है साहब, इधर अंदर जाना मना है। ठीक है ठीक है, हम लोग सीआईडी से हैं, जो सवाल पूछे उसका जवाब देते जाओ, समझे? और इधर उधर की बात मत करना, समझा? यहाँ जुगनू कौन है? क्यों, क्या बात है साहब? चुपचाप बता, जुगनू कहाँ है? जुगनू अंदर है साहब। हाँ, बुलाओ बुलाओ उसे, जल्दी बुलाओ। जल्दी तो मुश्किल है साहब, वो बहुत अंदर है। सुधाकर, फेडरिक्स सर, पकड़ के लाओ उसे। ये कल रात जुगनू ड्यूटी पर आया था? नहीं साहब, कल तो काम बंद था, वो नहीं आया था साहब। झूठ बोल रहा है, तू तो नहीं मिला हुआ उसके साथ? किडनैपिंग का मामला है, फंसेगा, समझा? मैं क्यों झूठ बोलने लगा साहब? अच्छा, कल तुम ड्यूटी पे थे? जी हाँ साहब, मैं ड्यूटी पे था। देखो, ये आदमी कल यहाँ आया था साहब, इसकी हालत तो बहुत गंभीर लग रही साहब। ये आदमी यहाँ आया था या नहीं? आया था साहब। कितने बजे आया था? यही क्यों, लगभग 8 बजे साहब। ये भी जुगनू को पूछ रहा था साहब। अच्छा, मैंने बोल दिया था जुगनू नहीं है, मैंने इसे भगा दिया साहब, ये चला गया था। वो अकेले आया था या उसके साथ कोई और था? अकेले ही आया था साहब। अच्छा, अभिजीत, वो उसे बॉल पेन फैक्ट्री में लेके गया होगा, लेकिन प्रमितेश ने बच्चे को छुपाने से मना कर दिया, फिर वो यहां आया। उसने बच्चे को यहीं कहीं छुपाया होगा, अंधेरे में, सुनसान जगह है, इससे बेहतर जगह कहां मिल सकती है उसे छुपाने के लिए? सर। हाँ सुधाकर। यह रहा जुगनू, हमने इससे पूछताछ कर ली है सर। सर, मेरी क्यों पिटाई कर दी इतनी इन लोगों ने? मैं सत्तू से मिला तक नहीं सर, मैं कुछ जानता नहीं। आशा सर, डॉग स्क्वाड को बुलाओ। यस सर। दया सर, जूता लेके आओ। हे टिप्सी, हाउ आर यू, गुड गर्ल। Smell, 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 smell tipsy, smell, smell, smell. Come on tipsy. Smell it, smell it, smell it. Come on tipsy, good girl tipsy, come on. ये कुत्ता कौरी के बाहर क्यों जा रहा है? देखा, कुत्ता वापस कौरी के अंदर जा रहा है, मतलब सत्तू वापस कौरी के अंदर ही गया होगा, बच्चा भी यहीं कहीं होना चाहिए। कम ऑन टिप्सी, गुड गर्ल टिप्सी, कम ऑन। सर, हाँ, ये जूता, जूता, ये तो मेरे बेटे करण का जूता है, ये करण का जूता है सर, करण, कम ऑन, करण, बेटा करण, 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 बेटा करण, 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 करण,
माई गॉड, यह ब्लास्टिंग हो रही है। पता करो सवेरे से ब्लास्टिंग हुआ है क्या? आशा जाके ब्लास्टिंग रोको। भगवान करे बच्चा पत्थरों के नीचे दब न जाए। तुम लोग बच्चे को ढूंढो, चारों तरफ फैल जाओ, वो यही कहीं होना चाहिए। वॉचमैन, वॉचमैन, यहां सुबह से कोई ब्लास्टिंग तो नहीं हुई है? जी नहीं हुई मैडम। श्योर नहीं हुई है? नहीं। हेलो सर, आशा बोल रही हूँ। वॉचमैन के हिसाब से तो यहाँ सुबह से कोई ब्लास्टिंग नहीं हुई है। ऑलराइट सर, ये ब्लास्टिंग रोकनी है, क्या करूं? ये तो फोरमैन नहीं रोक सकता मैडम। फोरमैन कहाँ है? वो देखिए उस तरफ। दया संभल गए। अभिजीत संभालो। ए, सुनो सुनो, ये ब्लास्टिंग रोको जल्दी। पर आप है कौन? मैं सीआईडी से हूं, ये ब्लास्टिंग रोको। मैडम ये ऑटोमेटिक ब्लास्टिंग है, ये नहीं रोक सकते हम लोग। ओ माय गॉड, अभिजीत करण, बच्चा ठीक है ना? ओह माय गॉड, बच्चा ठीक है? ठीक हो? गुड। दया, दया ठीक हो? दया तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ सर। दया अपनी जान पर खेल गए तुम? क्या दया रिजाइन करेगा? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.